ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ सो पंजाब सरकार दे वलो नीति आयोग की मीटिंग का जड़ा बाइकॉट किया गया सीएम मान दे वलो लिखती नोट दे विच नाराजगी जाहिर की गई है पंजाब सरकार दे वलो नीति आयोग की मीटिंग का बाइकॉट किया गया सीएम मान ने केंद्र सरकार नू नोटिस भेजा मसलियां ते नोटिस भेजा गया है दस दी कि पंजाब सरकार दे वलो नीति आयोग की मीटिंग का बाइकॉट किया गया सीएम मान ने केंद्र सरकार नू मामलों का नोटिस मसलों का नोटिस भेजा सीएम मान ने लिखती नोट के अपनी नाराजगी जाहिर की है नाराजगी उन्होंने जताई है उन्होंने वालों क्या गया कि केंद्र न जिहड़ा पंजाब के हितों का ख्याल नहीं रख रहा मान सरकार वालों लिखती नोट के नाराजगी जताई गई है पंजाब सरकार वालों नीति आयोग की मीटिंग का बाइकॉट किया गया सीएम मान ने केंद्र सरकार नू मसलिया दा नोटिस भेजा उन्होंने वालों जिहड़ा कहा गया केंद्र सरकार नू उन्होंने लिखती नोट दे विच नाराजगी भी जताई है उन्होंने वालों कहा गया कि केंद्र सरकार पंजाब दे हितां दा ख्याल नहीं रख रहा जिस कारण सीएम मान ने मीटिंग का भी बाइकॉट किया है तो उन्होंने लिखती नोट दे विच भी नाराजगी जताई है इस खबर से होर जानकारी लई अमनप्रीत साडे सहयोगी फोनलाइन से जुड़ चुके हैं जी अमन सीएम मान दे वालों जिहड़ा एक लिखती नोट केंद्र सरकार नूं भेजा गया नाराजगी जताई गई है क्या कि केंद्र सरकार पंजाब दे मसलियां दा पंजाब दे हक दे विच कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा देखिए नीति आयोग वालों साफ तौर से कहा गया कि पहला बैठक होनी थी लेकिन जिस तरीके दे नाल कई मसले हैं जिसको लेकर सीएम भगवंत मान ने जरा कि जरूर जताया और मैंने साफ तौर से कह दिया है लिखे कि वो किसी भी तरीके जिस तरीके की मीटिंग के शामिल नहीं की गई क्योंकि जो मसले हैं पंजाब के जो मुद्दे हैं पंजाब के वो सॉल्व होने बड़े जरूरी है हूँ जो तक वो चीज़ा नहीं होंगी उदों तक वो किसी भी तरीके की मीटिंग जो शामिल नहीं होंगी और उन्होंने किसानों का ਸ਼ਿਵਨ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ